पहली फरवरी को केंद्र सरकार के बजट को लेकर हमीरपुर में लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। नए बजट को लेकर हमीरपुर में सरकार के बजट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं और नए बजट को लेकर कई उम्मीदें जताई हैं। मैं एक रिटायर कर्मचारी के नाते ये कहता हूँ कि हमारी जो मांगें हमने रखी हैं, जैसे 65-70 और 75-80 वाली, उसमें जो हमारा 5% या 10% 15% 20% है, उसको बिस्क वे में सरकार मर्ज करे। ये हमारी बड़ी पुरानी मांग है और एक सूत्रीय मांग है और बहुत ही पुरानी है। और जो मेडिकल अलाउंस है उसका एक मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाए। इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चलाई है कि हमने उसको कैशलेस करना है, वैसा कर दिया जाए जिससे हमें सुविधा हो, क्योंकि ज़्यादातर बजट जो होता है हमारा, जो जब से वृद्ध हो जाते हैं तो वैसा हेल्थ पर ज़्यादा खर्च होता है। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए क्या क्या उम्मीद रखते हैं? अभी किसान भी है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो जनता ज़्यादा गाँवों में बसती है और गाँव में किसान और मजदूरी से ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं। किसानों जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो इसके अर्थव्यवस्था में ये है कि किसानों के हित के लिए हो, जैसे अच्छे बीज दिए जाएँ, समय पर दिए जाएँ, और जब बीज देते हैं उनके लिए भी जाए कि ये बीज इस एरिए में अच्छा कामयाब हो सकता है, समय पर दिए जाएँ, और जो उपकरण वगैरह हैं वो दिए जाएँ, और लोगों को जागरूकता से ज़्यादा लगाए जाएँ। और सबसे बड़ी समस्या आती है इसकी जब मार्केटिंग की, समस्या आती है जब मार्केट नहीं होगी तो किसान जो हताश हो जाता है कि इतनी मेहनत करता है और उसके बाद उसको जो लागत का पैसा भी नहीं मिलता है, तो इससे किसान हताश हो जाता है। तो इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था जो सरकार की जिम्मेदारी है वो करें। सबसे पहले जो कम सैलरी मिल रही है कर्मचारी, उन पर टैक्स में कटौती होनी चाहिए। सेकंड, जो लाख 2 लाख से ऊपर सैलरी ले रहे हैं अधिकारी या नेतागण, उन पर टैक्स लगना चाहिए और आम जनता से टैक्स कम करके जो धन्ना सेठ हैं, उच्च अधिकारी हैं, उच्च राजनीतिज्ञ हैं, उन पर टैक्स लगना चाहिए और उनकी कटौती करके उनको बढ़ोतरी करनी चाहिए। और सबसे पहले तो देश के जो हालात हैं उनको देखते हुए पूर्व विधायक, पूर्व MP, इनकी जो पेंशन है तुरंत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये देश की सेवा लिए, जनता की सेवा के लिए आया है, ना कि ये पेंशन इनका कोई अधिकार नहीं है। सबसे मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर बजट ऐसा बने कि जिससे जो बेरोजगारी इतनी फैली हुई है इंडिया में, हमारे देश में, वो कम हो। कम कैसे होगी? जो भी जितने भी 5 लाख से जैसे लोग कमाई करते हैं उन पर टैक्स थोड़ा कम हो जाए, और जिससे कि जैसे अगर हम टैक्स नहीं भरते हैं, जैसे कोई लोग टैक्स ही नहीं भरते हैं, तो हमारी बेरोजगारी अब नेचुरली ऊपर जाएगी। अगर टैक्स भरेंगे तो हमारे जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, फल फ्रूट है, सारा कुछ है, A to Z चीज़ें जो, वो नीचे अप्रोक्सीमेटली नीचे आ जाएंगे और बेरोजगारी जो देश की खत्म होगी। इसके लिए जो है वो अच्छा बजट होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों के अनुकूल होना चाहिए, और बजट जो है वो युवाओं के लिए जो है वो बेहतर रोजगार मिले, नौकरियां अच्छी हों, और जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो इच्छाएं हैं और भावनाएं हैं उनके अनुकूल बजट होना चाहिए, और लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ ज़्यादा ना पड़े, महंगाई की मार ना लगे, और समाज में रहने वाले लोगों के लिए संतुलन अच्छा रहे। उनको ज़्यादातर तो यही रहेगा कि जो नौजवान हैं बेरोजगारी में जूझ रहे हैं, उन्हें रोजगार मिले, अच्छा रोजगार मिले, नौकरियां खुले और नियमित नौकरियां मिले, स्थायी रोजगार मिलना चाहिए। ऐसा बजट जो है वो प्रधानमंत्री जी को और तैयार करना चाहिए। बजट जो होना चाहिए ना, आम लोगों के हित वाला होना चाहिए, इसमें सबका ध्यान रखना चाहिए। उनके किसी भी काम के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं सरकार से बजट ऐसा पेश होना चाहिए जो जनहित के लिए फायदेमंद हो, जिसमें रोजगार के अवसर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे अब बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके लिए भी रोजगार होना चाहिए। दूसरी बात ये है, तीसरी, कि महंगाई जो है वो कम होना चाहिए, जिसमें महंगाई के दौरान गरीब आदमी भी चज की रोटी खा सके, इस
महंगाई डाउन होना चाहिए।